जायसवाल बीज भंडार दहियावा बाजार फुटकर या थोक विक्रेता ये भाई साहब सीट को देखते हुए 50 रुपए पुरस्कार करते भाई साहब को नमस्कार पहुंचे इस कंपनी मालिक के थिएटर की तरफ से धन्यवाद। मेरे नौजवान साथियों सरदार जी आज कितनी खुशी की बात है। क्यों नहीं, जिस बच्चे को मैंने शेर से बचाया था, शेर से जिसका नाम फूल से रखा हो, फूल से आज मेरा बेटा फूल सयाना हो गया है, हमारे कद के बराबर हो गया है। आओ बेटे फूल का हम इंतजार करते हैं। बैठिए। आशीर्वाद ही। आज मैं आपसे और कुछ कहने के लिए आया हूँ, अगर इजाजत हो तो। बेटी फूल तुम क्या कहना चाहती हो? कि तो इजाजत कि तो इजाजत पिता दी मुझे इस घड़ी तो के आखे तू वापस में आखे भाई एक मिनट यागे के सही भाई जलेबी वाले इनकी तरफ से तुम जंगल की ओर जाओगे शिकार खेलने के लिए कि जाओ बेटा हमारे शुभ के हर
जाओ बेटा जाओ बेटा हमारे सुभद के हरी जाओ बेटा जा बेटे शौक से जंगलों में शिकार खेलो और शिकार खेलकर सूर्य अस्त होने से पहले अड्डे पर वापस आ जाना। पिताजी आप इसकी चिंता नहीं करें, मैं जंगलों में जाकर शिकार खेलूंगा और अपने दिल को बहलाऊंगा और सूर्यास्त होने से पहले मैं अड्डे पर वापस आ जाऊंगा। लेकिन कबीले से कुछ साथियों को हमारी सुरक्षा के लिए हमारे साथ में भेज दिया जाए। पिताजी मेरे नौजवान साथियों तुम लोग हमारे बेटे भोल के साथ जाओगे और शिकार खेल कर सूर्य अस्त होने से पहले अड्डे पर वापस आ जाना। पिताजी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। जा बेटे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। आइए मेरे नौजवान साथियों हम लोग इस वक्त प्रस्थान करते हैं उस जवान जंगल में जाने के लिए। जय मां भवानी। कुंदन सिंह का बेटा है, शेर का बेटा। सदा ही शेर होता है, आज जंगल की ओर गया है शिकार खेलने। बेटे फूल के आने का हम इंतजार करेंगे और शाह निर्भय सिंह का ताला जारी करेंगे। जब तक को नक्शा नहीं मिलता मां भवानी कसम ये कुंदन सिंह सुखी चैन नहीं बैठेगा। मुझे वो ताला चाहिए किसी भी कीमत। मेरे नौजवान साथियों सरदार जी ये रहा जवान जंगल जंगल और मैं पिताजी से इजाजत लेकर आया हूँ शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने के लिए जब तक मुझे कोई शिकार नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा और जब तक मैं किसी चीज का शिकार नहीं करूँगा नहीं करूँगा तब तक अड्डे की तरफ वापस नहीं चलूंगा। मौसम कितना सुहाना है, सुहाना है, कितना लाजवाब मौसम है दोस्तों। आओ हम लोग गाते बजाते हुए दूसरे वाले जंगल की तरफ चलेंगे। क्या है सरदार हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। हो आज मौसम बड़ा ओ बेईमान है, बड़ा ओ बेईमान है आज। आने वाला कोई आज तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। वो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। काले घटा खिल रही है, हो ठंडी आहे हवा भर रही है। हो काले घटा खिल रही है, हो ठंडी आहे हवा भर रही है। सबको क्या क्या हो रहा है, हर कली हमसे शक कर रही है। ओ फूल का दिल भी कुछ बड़ी गुमान है आज मौसम।
तेरे हवाले, तेरी मर्जी से अब बात ठहरी, जो जीने दे चाहे तो मार डाले, हो तेरे हाथों में अभी मेरी जान बेटा सयाना हो गया है और जिसका नाम मैंने रूप सिंह रखा है। मेरा बेटा रूप सिंह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार व होनहार है। जब तक कि वो अपनी मां से नहीं मिल लेता, ना तो वो कहीं खेलने के लिए जाता है और ना ही तो कहीं घूमने जाता है। मैं अपने बेटे रूप सिंह के आने का इंतजार करती हूँ। देखिए आगे उमेश मिस्त्री बात है। मेरी माँ बैठे बैठे रो रही है, आखिर बात क्या है? चेहरा उदास है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, कोई ना कोई बात जरूर है। माँ मैं जानना चाहता हूं कि बैठी किस सोच में आज मैया मेरी बैठी किस सोच बैठी किस सोच में आज मैया मेरी बैठी किस सोच में आज मैया मेरी बात क्या है कि जो आज रोती हो आज तक ऐसी हालत नहीं थी कभी, आज तक ऐसी हालत नहीं थी कभी, आंसुओं की जो माला पिरोती हो माँ। क्या बात है, तू रो रही है, रोने का कारण क्या है? मैं जानना चाहता हूँ बेटा। बोल माँ। अरे क्या बताऊं मैं बेटा, क्यों रो रही, क्या बता लिखा मेरी तकती
दे या करियाज तेरे पिता तो कितनी खुशियाँ यहाँ होती संसार पे कितनी ए माँ तो क्या कहा क्या कहा मैं कुछ समझा नहीं क्या कहा मैं कुछ समझा नहीं बातें क्या है जो इतना परेशान हो बातें क्या हो तो इस घर में कैसी खुशियाँ यहाँ होती संसार में कैसी खुशियाँ ए माँ अचानक आज तुझे मेरे पिताजी की याद आ गई है और मेरे पिताजी को याद करके मेरी माँ अपने आंखों से आंसू बहा रही है ए माँ आखिर क्यों इससे पहले तो कभी भी तुझे मेरे पिताजी की इतनी याद नहीं आई कौन थे मेरे पिता श्री क्या नाम था मेरे पिताजी का माँ मैं जानना चाहता हूँ बेटा तेरे पिताजी कोई और नहीं कौन थे बल्कि इसी विक्रम गणराज्य के सेनापति जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह वही तेरे पिताजी है चुप हो जा माँ चुप हो जा अरे ये तू किसका नाम ले रही है सेनापति निर्भय सिंह का नाम भूल जा माँ भूल जा क्योंकि तुझे मालूम होना चाहिए कि पूरे विक्रमगढ़ राज के अंदर ये ऐलान हो चुका है कि सेनापति निर्भय सिंह महाराज विक्रम सिंह का कत्ल किया है और कत्ल के जुर्म में उसे 20 वर्ष की सजा हुई है माँ पूरे 20 वर्ष की सजा अगर इस बात की खबर लोगों में फैल गई लोगों को मालूम हो गया कि सेनापति निर्भय सिंह से मेरा कोई रिश्ता भी है तो माँ हम दोनों की भी जान खतरे में पड़ जाएगी हम दोनों के हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा इसलिए भूल जमा सेनापति निर्भय सिंह का नाम अपने दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर कर दे बेटा भूल जमा भूल जमा तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है क्योंकि तेरे पिताजी वो कभी किसी का खून नहीं कर सकते उन्हें जरूर किसी ने फंसाया है बेटा माँ ये कैसे हो सकता है ऐसा हो सकता है कैसे हो सकता है क्योंकि मैं इसी विक्रमगढ़ राज के महामंत्री दुर्गा सिंह को भली भांति जानती हूँ दुर्गा सिंह इस पूरे विक्रमगढ़ राज के अंदर ऐसा दुष्कर्म करने का दुस्साहस केवल एक महामंत्री दुर्गा सिंह है जो कर सकता है और मुझे केवल संदेह ही नहीं पूरा भरोसा है कि जरूर ये खून व कत्ल महामंत्री दुर्गा सिंह ने किया होगा और जिसमें तुझे पिताजी को फंसा दिया गया हाँ बेटा जिसमें तेरे पिताजी को फंसा दिया गया तेरे कहने का मतलब कि खूनी कातिल कोई और नहीं बल्कि इसी राज का महामंत्री दुर्गा सिंह जिसने महाराज विक्रम सिंह का कत्ल तो खुद किया और फंसा दिया हमारे निर्दोष पिताश्री को माँ अगर ऐसी बात है ना तो तेरा बेटा चैन से नहीं बैठेगा चैन से नहीं बैठूंगा माँ दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दूंगा इस मामले की छानबीन करूंगा और एक दिन अपने निर्दोष पिताश्री को जेल से छुड़ाकर अपने घर लाऊंगा जिसकी वजह से मेरे पिताजी को इतनी मुसीबत उठानी पड़ रही है जेल के अंदर सजा काटनी पड़ रही है हम उसे चैन से नहीं जीने देंगे तो मंत्री दुर्गा को मारूंगा मैं जान से और चीर करके कलेजा मैं ले आऊंगा खाके कहता हूं तेरे चलो की कसम के कहता हूँ तेरे चलो की कसम और मार डालूंगा मैं मार डालूंगा मैं के कहता हूँ
जानो की सौगंध। कसम है मुझे कि एक दिन अपने निर्दोष पिता श्री को जेल से छुड़ाकर अपने घर लाऊंगा और खूनी कातिल को मौत की सजा दिलवाऊंगा। आशीर्वाद दो माँ कि मैं अपने कामों में कामयाब हो जाऊं। मालूम है मुझे कि मेरी माँ ने मुसीबत का सामना किया, मुसीबत का सामना करके मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे सयाना किया। माँ की उम्मीदों पर मैं कभी पानी नहीं फेरूंगा। माँ एक बात कहें, हर जन्म में तू ही मेरी माँ बने। ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसी माँ हर बच्चों को मिले। कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है, तू अपने कामों में जरूर सफल होगा। ओ मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे तोता
का कर्ज चुकाना, मेरे तू कर्ज चुकाना, भूल न जाना, अपना फर्ज निभाना, मेरे तू कर्ज चुकाना, मेरे तू कर्ज चुकाना। हेलो, आज मेरा बेटा गए अपने बेकसूर पिताजी के तलाश में। मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ, लेकिन ना जाने क्यों आज रह रह करके मुझे मेरे स्वामी जी की बहुत याद आ रही। ना जाने वो किस हाल में होंगे, कैसे होंगे, कुछ पता नहीं, कोई खबर नहीं। तेरी याद आना जाना, ऐसा लगा तारी है, क्या यही प्यार है, हो क्या यही प्यार है। कभी कभी माना, कभी मुस्कुरा, लगता है दूर से तू मुझको भुलाए, ये सर्द रातों की तन्हाइयों में तेरी सांस मेरा तनिक दिखाए, पर्वत पे बदलना